मुझे समझ नहीं आई कि इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों है और क्यों, क्या वो फैक्टर्स हैं जो कि उनको बार बार प्रोपेल करते हैं कि वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स दें जो कि जिनका कोई 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 रैशनल ना हो, कोई लॉजिक ना हो। सबसे ज़्यादा मज़ाक़ा खेज चीज़ जो आज उन्होंने कही कि जी जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। भाई ख़तरा उस चीज़ को होता है जो मौजूद हो, जो चीज़ मौजूद ही ना हो उसको क्या ख़तरा हो सकता है। तो ये इनके जहन की पैदावार है कि इस मुल्क में जमहूरियत है इस वक्त, इस मुल्क में इस वक्त शख्सी आमरियत है, एक वन पर्सन डिक्टाट है जिसकी बेसिस के ऊपर ये मुल्क चलाया जा रहा है और ये ज़्यादा देर तक चल नहीं सकता, ये अनरेवल होगा बहुत जल्दी। क्या कहा गया है, 9 मई का मुकदमा पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। 9 मई के वाकयात से अवाम फौज और फौज में नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। 9 मई के नाकाबिले तरदीद शवाहिद अवाम समेत सबके पास हैं। 9 मई के वाकयात सबने अपनी आंखों से होते देखे। अवाम के फौज एजेंसियों और इदारों के खिलाफ जेहन बनाए गए, फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। इन तमाम चीज़ों को कैमरे की आंख ने महफूज किया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि हम कहते हैं उसके बारे में बात की गई। सियासी लीडर्स ने कैसे फौज को अहदाफ बनाया उसके बारे में बात की गई। निज़ाम इंसाफ की बात की गई कि अगर निज़ाम इंसाफ पर यकीन रखना है तो फिर कानून के मुताबिक सबको सज़ा देनी होगी। हम भी कहते हैं ये कि बिल्कुल देनी चाहिए। जुडिशल कमीशन के ऊपर राज़ी हुए प्रोविशंस के साथ, अपने कंडीशंस के साथ। ये भी करेगा जुडिशल कमीशन, ये भी करेगा, ये भी करेगा। पीटीआई फौज पर चढ़ दौड़ी, अगर इसको और छूट दी गई तो ये रियासत के खिलाफ लड़ना शुरू कर देगी। अवाम के की ताईद और शऊर के साथ फरेब को शिकस्त देंगे, ताईद और शऊर के साथ। पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है। इसीलिए देखिए ये जो सब कुछ उन्होंने कहा है, हम इन तमाम चीज़ों के ऊपर उनको चैलेंज करते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो सबूत उसके अवाम के सामने ले गया है। और उसका एक आसान तरीन तरीका ये है, जो चीज़ हम 9 मई के बाद से फौरन हमने डिमांड करनी शुरू की थी जी, कि एक इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट जुडिशल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की जाए जो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करे कि किन्होंने जुर्म किया और उनके पीछे कौन थे जिन्होंने जुर्म करवाया, जो वही चीज़ है जो कि DGISPR कह रहे हैं। हम भी यही कहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि उसका एक कमीशन बना लें और वो उस कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो इस बात का तय्यून करे कि किन्होंने करवाया और कैसे करवाया और क्यों करवाया। ये कहते हैं जी कि ऐसा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो जुडिशल कमीशन पर 2014 के धरने की भी बात करेगा, वो जुडिशल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने की भी बात करेगा, वगैरह वगैरह। हम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल करे, लेकिन वो जुडिशल कमीशन साइफर के ऊपर भी प्रोब करेगा, रिजीम चेंज जो ऑपरेशन हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ था उसको भी प्रोब करेगा, ऑडियो लीक्स जो हुई थी उनको भी प्रोब करेगा, 8 फरवरी का जो मैंडेट चोरी किया है एस्टैब्लिशमेंट ने उसको भी प्रोब करेगा, जबरी तलाकों और सियासी इंजीनियरिंग को भी प्रोब करेगा। 9 मई के ऊपर जो कमीशन जो है वो तो बनेगा, यही सब कुछ करेगा। और ये तमाम वो चीजें हैं जो कि हम डिमांड करते आए हैं, और अगर इन दो अपनी कंडीशंस के साथ भी अगर DGISPR साहब जुडिशल कमीशन बनाना चाहते हैं तो हम उसकी तायीद करेंगे, ज़रूर बनाएं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है ये एस्टैब्लिश करने का कि किसने जुर्म किया है और क्यों जुर्म किया है और उसको कौन पाल रहे थे, किसकी वो किन की बैक एंड कॉल के ऊपर वो सब कुछ कर रहे थे। कम अज़ कम PTI उसमें शामिल नहीं थी। तो वक्त आ गया है कि जी हर 10-15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद आप लोग एक वेनमस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें PTI के खिलाफ और समझे कि हम ये भूल जाएंगे, ये नहीं होगा। अब जुडिशल कमीशन आपने खुद फरमाया है कि कायम करने को तैयार हैं, तो हमारी एडिशंस के साथ अब जुडिशल कमीशन करें ताकि कौम को वाकई पता चले कि कौन मुजरिम है, PTI मुजरिम है,
या कि वो लोग मुजरिम हैं जो कि पीटीआई के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये बहुत बहुत देर हो गई है, एक साल गुजरने को है जी, आज 7 तारीख है, दो दिन के बाद एक साल पूरा हो जाएगा और ये मामला वहीं का वहीं लटका हुआ है। और ये भी प्रोब होना चाहिए कि जी हमारे जो लोग हैं जिनको डिसअपियर किया गया, जिनको टॉर्चर किया गया, जिनसे पोस्ट कन्वर्शन करवाई गई, उनको 24 घंटे के अंदर अदालत के सामने नहीं पेश किया गया, वो कौन से लोग थे जो के कार फरमा थे इसके पीछे, जिन्होंने ये सब कुछ किया, रात के अंधेरे में मैंडेट लूटा गया, इसकी भी प्रोब होनी चाहिए। सो ये जुडिशियल कमीशन बनाए, इसको बहुत वास्ट इनका ट्यूअर्स दीजिए, सब कुछ करे, और भी बहुत चीजें जो मैं इस वक्त नहीं बयान करना चाहूंगा, और उनके बारे में कमीशन की रिपोर्ट्स भी आ चुकी हुई हैं, वो इंप्लीमेंट भी नहीं हुई। हम चाहेंगे कि वो कमीशन पिछले सानहों के बारे में जो कमीशन थे बनाए गए, उनकी रिपोर्ट्स जो आई हैं उनको इंप्लीमेंट भी किया जाए, ताकि फबान सुनो हतमी तौर के ऊपर ये फैसला हो सके कि किसने मुल्क की खिदमत की है और किसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो सिर्फ इल्जाम तराशी से, सिर्फ फिंगर पॉइंटिंग से कोई मुजरिम हो नहीं जाता और कोई कोई जुर्म से आजाद नहीं हो जाता जब तक कि उसके पीछे एक क्रेडिबल इंक्वायरी जो है वो नहीं होती। हम एक साल से डिमांड कर रहे हैं, आज अगर DGISPR साहब ने माना है, चलिए हम कहते हैं कि कल बनाए, आज बनाए, बल्कि ये तमाम जो हमने कहा है उन्होंने भी कहा है, वो TRs उनके बना दीजिए और देखते हैं कि जी वो क्या फैसला करती है। लेकिन ये जुडिशियल कमीशन इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये फौज के ताबे नहीं होना चाहिए, ये इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन होता है। कहते हैं जी कि ये तमाम मनाजिर जो हैं वो कैमरे की आंख ने कैच किए। मैं देखना चाहूंगा वो मनाजिर जो कैमरे की आंख ने कैच किए, मैं देखना चाहूंगा वो CCTV फुटेजेस जो जिना हाउस के बारे में है या ये किसी भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बारे में है, मैं देखना चाहूंगा वो CCTV फुटेजेस जो खान साहब की अरेस्ट की हैं। कहीं भी वो CCTV फुटेज आपको नजर नहीं आएगी, क्यों गायब की गई, किसका जुर्म छुपाने की कोशिश की जा रही है, कौन मुजरिम है यहां। इस मुल्क का खासा रहा है कि जब जुर्म को और मुजरिम को छुपाना होता है तो शवाहिद मिटा दिए जाते हैं, CCTV फुटेज वो शवाहिद कंटेन करती है जो कि इन्होंने बिठा दिए। और एक शख्स खड़ा होके एक टेररिस्ट एक